आज मैं आपके साथ नान की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो गेहूं के आटे से बना है, बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल डिफरेंट वे में बना है। आप देख रहे हैं ना, ये नान कितना सॉफ्ट लग रहा है और कितना टेस्टी लग रहा है। ये तवे पे बना हुआ है और गेहूं के आटे से बना है। इसका जो हमने डो लगाया है वो बिल्कुल डिफरेंट वे में लगाया है। देखिए कितना सॉफ्ट है, आप देख रहे हैं इसको हाथ से मोड़ने पर हम आपको टेक्सचर भी दिखा रहे हैं, कितना बढ़िया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके साथ डिफरेंट वे में आपके साथ मैं नान की रेसिपी जो शेयर कर रही हूँ, वो जो मैंने आटा लगाया है वो लगाया है वेव वाटर से। अब ये वेव वाटर होता क्या है? वेव वाटर जब हम पनीर बनाते हैं तो उसमें जो पानी बच जाता है उसी को बोलते हैं वेव वाटर। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 3 कप गेहूँ का आटा। ये गेहूं के आटे से बना है, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही टेस्टी वे में बना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 कप हम गेहूं का आटा ले रहे हैं और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और इसी के साथ डाल देंगे 1 चम्मच शुगर, यानी खड़ा वाला चीनी जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है और यहाँ पे 1/2 स्पून यहाँ पे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दे रहे हैं क्योंकि ये भी हल्का सॉल्ट इसमें टेस्टी लगता है। तो इस तरह से डाल के इसमें 2 चम्मच यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं ऑयल। इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है प्रॉपरली, जैसे सारी चीज़ें मिक्स हो जाए इसमें। अब हम इसका जो डो लगाएंगे ये हम लगा रहे हैं वे वाटर से, यानी हमने पनीर बनाया था अभी रिसेंटली, रसगुल्ला बनाया तो उसमें जो पानी बचता है जिससे हम पनीर बनाते हैं, तो पनीर बनने के बाद जो पानी बचता है वो बहुत ही ज़्यादा रिच क्वांटिटी में उसमें प्रोटीन होता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वे में बनता है। तो ये इसी से देखिए हम डो लगा रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पे 3 कप आटा है और यहाँ पे जो हम डो लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डो लग रहा है उसमें जो यूज़ हो रहा है ये हमारा वे वाटर, ये 2 कप पूरा इसमें यूज़ हो रहा है। तो इसको हमें सॉफ्ट सा डो लगाना है, बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, ये बिल्कुल टाइट नहीं रहेगा, सॉफ्ट से भी थोड़ा हल्का रहेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से डो बन के तैयार हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया सब नान बन के तैयार होगा और बहुत ही हेल्दी बनेगा क्योंकि गेहूं का आटा है और जो हमने पनीर फाड़ा था उसमें जो पानी बचा था वे वाटर उसको हमने यूज़ किया है। ये बहुत ही टेस्टी होता है, आप एक बार इस पानी से ज़रूर बनाइए, आप देखेंगे कि आप जैसे बनाते हैं नान उससे टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट आएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब देखिए इस आटे को हमने गूँथ लिया, हल्का से इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको हम कवर करके बंद करके रखते रहे हैं। इसे कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए आप इसे रख दीजिए, ये इंस्टेंटली बन जाता है। 30 से 40 मिनट में आटा अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर हम बनाना आपको दिखाते हैं किस तरह से बनाया हमने। तो ये देखिए इसको हम इस तरह से बंद करके किसी गर्म प्लेस पर रख देंगे। ये देखिए 40 मिनट बाद हम आपको दिखा रहे हैं ये रेस्ट के बाद किस तरह से फूल गया है। अब हमें इसको अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेना है प्रॉपरली, ये देखिए बिल्कुल से लूज़ है, इसी तरह से हमको इसको बनाना है। तो एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये प्रॉपर शेप में आ जाएगा। इसे प्रॉपरली इस तरह से देखिए हम मैश करते हुए इसे मिक्स करते जा रहे हैं। अब ये डो फॉर्म में बन गया है। तो अब हम चलिए इसमें छोटा छोटा सा हम बना ले रहे हैं, छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी रहेगी, यानी बड़े साइज़ का जो नींबू आता है उसी आकार का हम इसमें डो लेंगे। देखिए ये डो में से थोड़ा थोड़ा काट रहे हैं, बड़े साइज़ का जैसे नींबू होता है उस साइज़ में हम काट रहे हैं। आप जितना मोटा पतला बनाना चाहते हैं उस तरह से आप ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी देखिए इस तरह से हम चकली बना ले रहे हैं। अब इसको हम बेलेंगे, तो इसमें सूखा आटा लगाते हुए इसको बेलना है। तो इस तरह से पहले बना लीजिए और फिर आप इसे तैयार करिए। तो देखिए इस तरह से हम लोइयाँ बनाते चले जा रहे हैं। तो छोटा बड़ा आप बनाना चाहें जिस हिसाब से उस हिसाब से इसको बढ़ा घटा सकते हैं। तो ये देखिए हम आपको चलिए एक बेल के दिखाते हैं किस तरह से इसको बनाना है। तो यहाँ पे हम जो तवा यूज़ करें नॉन स्टिकी तवा यूज़ कर रहे हैं, अगर आप चाहिए तो लोहे के तवे पे भी बहुत आसानी से बनता है। हमने अब ये लोहे के तवे पे किस तरह बनता है ये वीडियो हमने अपलोड किया, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम इसको नॉन स्टिकी तवे पर बना रहे हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो एक बार आप वे वाटर ज़रूर यूज़ करिएगा, वे वाटर बहुत ही हेल्दी होता है, ये बहुत हर तरह से हमारे लिए बहुत हेल्दी है। ये खाने में हेल्थ के लिए तो हेल्दी है भी, स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी बहुत ही हेल्दी है। तो ये देखिए ये किस तरह से हम बेल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए इसकी मोटाई।
ये भी बहुत ही ज़्यादा मोटा नहीं बेल रहे हैं और ना बहुत ज़्यादा पतला बेल रहे हैं, रोटी से थोड़ी सी मोटी है। अब इसके ऊपर हम डाल दे रहे हैं कलौंजी। तो आपको जो भी फ्लेवर पसंद है, आप इस पर लहसुन और मिर्ची की भी पेस्ट बना के इस पर लगा सकते हैं, या फिर धनिया की पत्ती लगा सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इस पर कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कलौंजी लगा दे रहे हैं। और कलौंजी लगा के देखिए अच्छे से पैन मेरा गर्म है, तवा ये जो है, अब इस पर हम इसे सेक रहे हैं। तो आँच को मीडियम पे करके, यानी हाई बिल्कुल नहीं रहेगा ना ही बिल्कुल लो, मीडियम पे करके इसे हम सेक रहे हैं। देखिए एक साइड से सिक गया है, अपोजिट साइड से भी स्पैचुला से दबाते हैं इसको, चारों तरफ से सेक लेंगे। और तब तक दूसरी भी हम तैयार कर लेते हैं नान अपने। तो इधर बेल ले रहे हैं, उधर वो सेक भी रहा है। आँच को बिल्कुल लो टू मीडियम पे हमने किया है। अब ये देखिए ये भी हमारा बेल के तैयार हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा टेस्ट चेंज करेंगे, इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और स्प्रिंग ओनियन थोड़ा सा पतला पतला चॉप करके रखा है उसको लगाएंगे। तब तक देखिए इसको हम टर्न कर लेते हैं। देखिए दूसरी साइड से भी ये सिक गया है, अब इसे हम टर्न कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट बनता है, टेस्ट तो बहुत ही इसका बढ़िया आता है। आप एक बार इस वाटर के साथ इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। अगर आप पनीर बना रहे हैं तो उस पानी को फ्रिज में रख लीजिए और जब भी आपको नान बनाना है आप बनाइए। तो इस दिवाली आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको टेस्ट ही बहुत लगेगा। कि देखिए कितना बढ़िया सा फूल गया है, इसको हम टर्न कर दे रहे हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और दूसरा भी हमारा नान बेल के तैयार है, उसको भी हम इस पर सेक लेते हैं। अब इस पर हम लगा देंगे ऊपर से घी। आप अपने फ्लेवर के हिसाब से, आप बटर लगाना चाहिए बटर लगाइए, देसी घी बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसलिए देखिए देसी घी से हम इसको अच्छे से इस पर स्प्रेड कर दे रहे हैं। अभी एक पराठा ये बन के तैयार हो गया हमारा नान। और दूसरा देखिए इधर हम स्प्रिंग ओनियन और जीरे के साथ इसको बना रहे हैं। एक बार इसको उसे बेल देंगे जिससे इसमें चिपक जाए सही से। अब इसे भी देखिए हमने तवे पे रख दिया है। अब इसको भी इसी मेथड से इसको भी हम सेक लेंगे टर्न करते हुए। और इसी तरह से सारे पराठे सारे नान बना के हम तैयार करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनता है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। इस तरह से इसको इस बार फेस्टिवल पे आप ज़रूर ट्राई करिए। देखिए किस तरह से टर्न कर दिया हमने। अब इसी तरह से सारे पराठे बना बना के तैयार कर लेंगे। इस पे घी लगाइए बटर लगाइए, ये आपकी चॉइस है, आपको जो भी पसंद है आप उसे इस पे लगा सकते हैं। और इस तरह से सर्व करिए गेस्ट के सामने या फिर फैमिली में किसी को भी देंगे। बहुत ही हेल्दी पराठा है और बहुत ही टेस्टी है। इसी तरह से सारे पराठे बना के तैयार कर लेते हैं। तो आप इस पे अपने टेस्ट के हिसाब से आप लहसुन मिर्चा का भी पेस्ट लगा सकते हैं, हरी मिर्च का पेस्ट लगा सकते हैं, धनिया की पत्ती लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें मसाले भी आपको जो भी पसंद है आप इस पे लगा सकते हैं। लाल मिर्ची पाउडर या रेड चिली फ्लेक्स इस पे स्प्रिंकल करके लगा दीजिए। आपको जो पसंद है आप इस तरह से लगा के देखिए। हम सारे पराठे बना के तैयार कर लिए। अब इस तरह से हम आपके सामने सर्व करके दिखा रहे हैं कि कितना टेस्टी है, कितना सॉफ्ट बना है। अभी हम आपको एक पराठा दिखाएंगे। ये देखिए इसका सॉफ्टनेस देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर में बन के तैयार हुआ है। तो आप इस फेस्टिवल इसे ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट है बन के तैयार हुआ नान। ये फटाफट बन जाता है, इंस्टेंट बनता है। अब ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हो गया। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।